हेलो फ्रेंड्स, क्या आप एक एस्पायरिंग वेंडर हैं जो कि ऑनलाइन पोर्टल पे आना चाहते हैं, लेकिन आप शायद कोई कोई अपने डाउट्स के कारण उस ऑनलाइन पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर नहीं कर रहे हो कि क्या पता आप जब रजिस्टर करने आएँ आपके पास एक ऐसा सवाल आए जिसके आपको आंसर करने में उस समय मुश्किल हो, या फिर आपको ये लगे कि शायद आपका प्रोडक्ट की लिस्टिंग आप उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं जितना और लोगों की लिस्टिंग आपको दिख रही है, या फिर कोई भी तरह की परेशानी आपको फेस हो रही है जिसकी वजह से आप अपने आप को ऑनलाइन नहीं लाना चाहते हैं, तो इस ब्रेव सर इंटरव्यू को ज़रूर सुने। उम्मीद करता हूँ इस इंटरव्यू में आप अपने सारे सवाल के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो इंटरव्यू के एंड पे कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट जरूर मेंशन कीजिए। तो मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन के ब्रेव सेलर सीरीज पे फिर से स्वागत करता हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। मैं रवि रंजन सर आपका बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ सर। सो धन्यवाद आपको हमारे चैनल को ज्वाइन करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ही सबको पता है कि जब आप सेलर हैं तो आप मल्टीपल पोर्टल्स पे हैं तो आपके पास ऑलरेडी समय नहीं होता है आपका पैक करना, उसको स्केड्यूल करके पिक करा के भेजना, फिर मार्केट में दौड़ना, थोड़ा नए प्रोडक्ट्स के लिए खोजना, तो थोड़ा सा कट ऑफ होता है टाइम्स, बट स्टिल उसके लिए समय निकाल के आप किए, सो उसके लिए अगेन अगेन थैंक यू। एंड व्यूअर्स के लिए मैं ये बता दूं कि जो ये हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं इसको ब्रेव सेलर्स सीरीज बोलते हैं। इसका ये मतलब है कि हम इस इंटरव्यू के दौरान ये चीज जानने की इच्छा रखते हैं या कोशिश करते हैं कि जो भी ऑनलाइन पे अभी सेलर्स हैं वो जब ऑनलाइन पे अपना बिजनेस को ले गए तो क्या उनको प्रॉब्लम आई, उनको उनकी क्या एक्सपीरियंस रही, करंटली वो कैसे बिजनेस कर रहे हैं ऑनलाइन, कितने सेटिस्फाइड है अपने ऑनलाइन सेलिंग से, और ऑल्सो फ्यूचर में अपने आप को एज एन ऑनलाइन सेलर वो कैसे देखते हैं, ये वीडियो उसी पे है। सो बने रहिएगा और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो अगेन थैंक यू सर। तो मेरा पहला सवाल सर आपसे है कि सर आपने ऑनलाइन बिजनेस कब ज्वाइन किया और आपको किस चीज से मोटिवेशन मिला कि चलो ऑनलाइन भी करते हैं? ओके सर, थैंक्स फॉर हैविंग मी इन सर for your session. Yeah, a pleasure, sir. So, yeah. So, I started the business, मैंने चालू किया 2 साल पहले. Okay. And the motivation था कि basically when I would go through articles in the newspapers, तो मुझे ऐसा बहुत सारे articles ऐसे पढ़ने मिले जहाँ पे basically we come across that e-commerce is the future. Okay. कि जो customers है basically they all would be ordering their products via phone. Okay. So it's going to be an e-commerce business and so I thought why not enter this space. And thankfully, I got a friend, a very old friend, okay, who was already into it. Okay. So he got me started. Okay. So basically, yeah. Sir, can we also say that when COVID came and when there was lockdown, then your thoughts started to start that e-commerce mein start kiya jaye. एक ई-कॉमर्स में इन्वेस्टमेंट, बिकॉज उस समय सबसे ज्यादा पीक पे ई-कॉमर्स इसलिए थी बिकॉज वही मीडियम एक्टिव था लोगों के राइट तो सबका ध्यान भी उसी तरफ था कि एक ही मीडियम एक्टिव हो ई-कॉमर्स। सो अगर सेलर हैं, वेंडर हैं, अगर हम ई-कॉमर्स पे नहीं हैं तो आज के टाइम पे बहुत पीछे हैं, बिकॉज उनका शायद बिजनेस चल रहा है जो ई-कॉमर्स पे हैं और जो सिर्फ ऑफलाइन है वो 2 महीने से 2.5 महीने से 3.5 महीने से घर बैठे हैं, उनका रेंट जाना है, लोगों की सैलरी निकलनी है, ये सारे फिक्स एक्सपेंसेस थे जो कि कवर करने ही करने पड़ते थे, लोगों को काफी अपने जगह को छोड़ना पड़ा बिकॉज वो बोले कि नहीं वी कांट बी एबल टू पे रेंट्स फॉर दैट मच। सो ये सब चीजें भी हुई। सो ऑब्वियसली तो आपके हिसाब से मेरे को यही है कि आपने कोविड का एक्सपीरियंस लिया और आपने फिर ये देखा कि ऑनलाइन में जंप करना ही एज अ सेलर थोड़ा फ्यूचर मेरा सेफ होगा बिकॉज लोग ऑनलाइन की तरफ जा रही है, सरकार भी अमेजोन जो हम बात कर रहे हैं, सरकार भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो की तरफ जा रही है या फिर ऑनलाइन पोर्टल्स की तरफ जा रही है। ओके सर, सर इसी से एक जुड़ा हुआ अगला सवाल है कि जब आपने ऑनलाइन अपना ज्वाइन किया सर, तो कैटेगरी सर आप कैसे डिफाइन किए कि इस कैटेगरी में इसको सेल करना है? कैटेगरी बेसिकली उससे पहले सर आपकी कैटेगरी कौन सी? हाँ, मेरा कैटेगरी इज होम एंड किचन। यस सर। तो इनिशियली मेरे पास जो वेंडर्स है उनका कोई खास नॉलेज नहीं था, तो जैसे मैंने बताया कि मेरा एक फ्रेंड था हु वाज ऑलरेडी इनटू इट, तो जस्ट टू प्ले सेफ आई एंटर्ड द सेम कैटेगरी दैट ही वाज इन, तो ही वाज इनटू होम एंड किचन, तो उसने मुझे फिर वेंडर्स से मिलाया कि ये वेंडर्स है
who will be supplying goods to you and all that. So basically from there, so that's how I got into Home and Kitchen. And now, of course, I'm doing good. So third question is, right now, aap kis platforms pe available hain? Agar aap viewers ko bata paayen ki aap kis platform se launch kiye ho, to hume idea laga. Right now, aap kis platform pe apne products ko rakhte hain, sir? Right now, I'm into Flipkart, Amazon, Meesho, then Glow Road. And of course, sir, with your help, I surely would be entering into Jio. So, filhal mere ye platforms hai. Okay. Haan, sir, Jio bhi abhi kafi expanding ek marketplace hai. Correct. And it is quite active right now. Not just Jio Mart, I guess, ke aaj Jio wale log bhi kafi active hai. And they have been taking applications. Right now, jo do hi platform mein, jo thoda sa applications ke taraf se, they are rigid, or what we can say, ki thoda sa, they have a lot of rules and regulations is Myntra and Nykaa. So people are getting a lot of queries from Myntra and Nykaa, but the result is zero because the company actually applications is zero. So JioMart aapne naya start kiya, sir. I would say ki this is a good start because ye platform kafi acha, hame bhi jo lag raha hai, is platform bhi kafi acha expand hoga. So sir, my next question would be related to Big Faction right now. कि आपने जैसे बताया कि ऑनलाइन के बारे में आपने पढ़ा और फिर फ्रेंड्स के बारे जो ऑलरेडी बिजनेस में था उनसे भी कंसल्ट किया आपने एंड उन्हीं के कैटेगरी फिर आप ले और वहीं से जीरो इन करके आपने अमेज़न स्टार्ट किया या फिर ऑनलाइन स्टार्ट किया. तो बिग फैक्शन सर ये कहाँ पे आया आपके ई कॉमर्स जर्नी में और हाउ डिड वी हेल्प यू? राइट, बिग फैक्शन सो हैपेंड कि सी वो मेरा फ्रेंड है. ओके, सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट इनिशियल स्टार्ट तो मुझे देगा वो. But then later on, I had to be on my own. Yes. So at that moment, I was experiencing, मुझे बहुत experience हुआ कि especially listing में, फिर price determination में कि price क्या रखे product का, as well as photographs का, where do I get the photographs? Okay. तो for that, then I started looking out for a partner, okay, who would help me grow in my business. Hmm. So that's how I came across Big Faction. And I'm very happy to say that I'm very well pleased, very, very pleased. Big Faction ne kafi mujhe help kiya to grow my business. I found a very good partner in Big Faction. Thank you, sir. And any executive that you want to name, sir, koi executive ka naam so that he or she can be, you know, thrilled to hear his or her name. I would like to thank Shanaya ma'am. Okay, she is handling my Amazon account very, very well, beyond expectations. As well as Meesho is handled by Nifat, the same I would say for her is that without you informing them, giving them any instructions, they are on their job. Already taking care of them. Yes, yes, yes. So that really takes care of you, that you know somebody is minding your business on the social front, okay? Or aap jo back end mein kaam kar rahe ho, you know, procuring goods and all that. So this information, so here the next question is, आपके पास इतने सारे पोर्टल्स है, Amazon, Flipkart, Meesho, Glow Road, New Launchings, JioMart. अगर रेटिंग में बात करूं सर, टॉप थ्री किस पोर्टल्स को आप टॉप थ्री रेटिंग्स देंगे सर, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ सेलर, सर, नॉट एज अ बायर. इन टर्म्स ऑफ सेलर, यस, आई वुड रेट Amazon, ओके, एज नंबर वन. देन आई वुड कम टू Flipkart. And later on, I would say Jio. I would say Meesho, in fact, because Jio has just started. So I really I don't have no experience name in my pass. So Meesho is number three. Okay. Also, sir, next question. Ki jaise ki aapne ko bataya ki aapke paas ye problems aaye, and then Big Faction solved it out to you. But initially, jab aap business on the own the, and also you were taking few helps from your friend. तो उस बिजनेस जब आपने स्टार्ट किया अपना जर्नी ऑनलाइन, तब आपके पास क्या क्या चैलेंजेस आए थे सर, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया था फॉर एग्जांपल कि क्या ये समझ में आपको प्रॉपरली आ रहा था सर कि टैक्स कैसे फाइल करना है, अगर हमें ऑर्डर्स आता है तो हमें टैक्सेशन हर मंथ कैसे फाइल करना है, और क्या ये आइडिया था आपके पास कि अगर कोई प्रोडक्ट आज बिका, आज ऑर्डर आया, इसका पे आउट हमको कब मिलेगा, तो या फिर और भी किस बहुत सारे तरह के हो सकते हैं सर, लिस्टिंग करते समय कुछ हो सकता है आपको अप्रूवल की जरूरत पड़े, तो कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सर आपके पास एकदम इनिशियली आया कि जहां पे आपने लॉन्चेस स्टार्ट किया अमेज़न पे,
बट ऐसा चीज दिख गया कि फिर आपने वो प्रोसेस थोड़ा देर के लिए रोक दिया कि इसमें एक्सपर्टीज में नहीं हूं, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा एंड फिर देखते हैं कैसा होता है या हेल्प लेना पड़ेगा, तो वैसा कोई सर आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया था बिगनिंग में? Yes, a lot. In fact, Amazon, Flipkart is a bit easy, I would say, comparatively than Amazon. Okay. Amazon में बहुत कुछ है जो, you know, a normal person wouldn't, काफी उनको tough लगेगा. तो मुझे ये problem आए थे जो आप बता रहे हैं फिलहाल, तो वो problems मुझे आए थे initially. तो किस तरह के problems थे सर जैसे वो? Like for example, even a very simple problem like listing, okay, वो एक problem था मेरे लिए. कि कैसे मैं इस चीज को लिस्ट करूं मैं, ओके इसका क्या मतलब, इसके पीछे क्या डेटा चाहिए, व्हाट डेटा इज रिक्वायर्ड इसको लिस्ट करने के लिए. फिर सेकंडली इज दैट, जैसे हमने कहा टैक्सेशन के बारे में, ओके स्पेशली जीएसटी, सो फाइलिंग ऑफ जीएसटी एंड B2B B2C, तो ये सारी बातें. तो लाइक यू नो इनिशियली हम जैसे लोगों के लिए हुआ न्यू टू दिस फील्ड, दिस वॉज ऑल वेरी मच ग्रीक. तो I had to take the support of, as I said, my friend once again, Paritosh's name is. Okay. So Paritosh ji ka mujhe support lena pada, and then he got me to a CA. So wo hisab se mera ye issue solve ho gaya. I just had to provide the data. Right. Okay. So right now, sir, next question over here ki now you are into different portals as well. So sir, yes, portals ke alawa kya aapke paas khud ka portal hai? Matlab Are you on your own website? आपने वेबसाइट बनाया है सर अपना? नहीं, अभी तक मैंने वेबसाइट नहीं बनाया. I'm still learning the business and I would like to go slow. Yes. because इसे investment भी है. ऐसी बात नहीं है कि भाई you know आप यहाँ पे हाथ डालो वहाँ पे भी हाथ डालो. And a lot of logistic issues also are there. तो जैसे मैंने कहा कि I'm finding a very good partner in Big Faction. So hopefully. Is that जब मैं मुझे लगे कि now I can venture on my own by starting a website, तो फिर I'll surely take the help. 100% sir, आपने logistics का जो path बोला, I'll solve it for you. आपने Shiprocket का नाम सुना होगा, right? आपके website को बस Shiprocket के website से integration कर देना है, and then आपके website पे जो भी orders आएगा, Shiprocket will be taking his or that care. So वो ये भी sir part. No, fulfill हो चुका, but I would agree with you कि slowly and steadily अगर हम लोग अपने ship को move करेंगे, so जो पानी के जो थपेड़े होते हैं उससे भी हमें relax मिलेगा. अगर हम तेजी से चलना कोशिश करेंगे, might कि हम अपना boat को crack कर दें या our boat can capsize. So that is correct. But again, my recommendation sir, but coming future में I guess a website is a mandatory thing. Because ये कभी भी आपको branding के terms में, branding के respect में हमेशा एक आपको अपस्केल प्रोवाइड करता है, एक हमेशा लोगों को कनेक्ट करता है, क्योंकि दिस इज अ ब्रांड वेबसाइट है, लेट्स विजिट द वेबसाइट. सो दैट्स एन इशू की चलिए उस पर सर हम लोग फ्यूचर पे तो डेफिनेटली आई गेस कि ध्यान रखिएगा, बिकॉज एड्स भी वैसे ही आता है, आपका खुद का ब्रांड है, लेट्स स्टार्ट अ वेबसाइट. तो व्यूअर्स जैसे कि आई गेस कि सर ने हमें बताया कि प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से आसान हैं एंड ओवरऑल एक प्लेटफॉर्म पे हमारे पास मौके कितने आते हैं. होप आपके No, kuch so questions we are able to solve it with our conversation. If you still feel that something is left behind, we request you to please post this in our comment section. And hum log next videos mein usko lene ki koshish karenge. So thank you, sir. Again, once again, joining it. Thank you, sir. Thank you. Thanks for having me. Once again for your time, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you.